हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में सेंटेंसेस के कुछ टाइप स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग आज हमने उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो देखा था, और उसमें कितने टाइप्स होते हैं, जैसे एक था पॉजिटिव और दूसरा था निगेटिव, जिसमें से हमने पॉजिटिव लिया था लेकिन हमारा निगेटिव रिमेनिंग था। लेकिन फिर भी हम क्विकली 2 मिनट्स में रिविजन ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किया था हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा था इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक सेकेंड पॉइंट देखा था, वो ये था कि इसमें से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, मतलब किससे रिलेटेड होती है, वो होती है थिंग्स के रिलेटेड या थॉट्स या फीलिंग्स या ओपिनियन या फिर जैसे फैक्ट्स, जैसे सत्य एक्सेट्रा, इसके रिगार्डिंग हमें इसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, हमने इसमें ये देखा था कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से, ठीक है। ये हमने इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। उसके बाद हमने देखे थे इसके कुछ टाइप्स, जिसमें थे पहला था पॉजिटिव था, हमने कल पॉजिटिव को और एक नाम दिया था, क्या था वो नाम, वो था अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। उसके बाद हमने उसका सेकेंड पॉइंट जो देखा था वो था निगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो होकारार्थी होते हैं, ठीक है, जैसे होकारार्थी, ठीक है, और निगेटिव क्या है, नकारार्थी। इसके नाम से समझ में आता है कि सेंटेंस किस तरह से होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हमने, पॉजिटिव में क्या देखा था, पॉजिटिव में हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव में हमने देखा था कि इट मेक पॉजिटिव सेंट टू द सेंटेंस, मतलब वो हमारे सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देता था, इट मेक पॉजिटिव सेंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये हमारे एडजेक्टिव की तरह होते हैं, जो मतलब किसी ना किसी को, मतलब जैसे वर्ड हो या सेंटेंस हो या किसी को भी एनीथिंग, वो उसे डिस्क्राइब करते थे लाइक हमारा एडजेक्टिव की तरह। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखा था कि इसमें हम नो नॉट नथिंग, मतलब जैसे नकारात्मक जो वर्ड्स होते उस टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं करते हम लोग, उसमें नो नॉट नथिंग इस तरह से रिलेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करते थे। तो ये थे हमारे सब पॉजिटिव सेंटेंस। आज हमको जो देखना है वो है हमारे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव के अपोजिट होंगे, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या होगा, हमने पॉजिटिव में क्या देखा था, इट मेक पॉजिटिव सेंस इन द सेंटेंसेस, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इट मेक निगेटिव सेंस इन द सेंटेंस, ठीक है, इट मेक्स निगेटिव सेंस टू द सेंटेंस, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट जो हमने पॉजिटिव में नहीं देखा था, मतलब उसमें उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं था, हम इसमें स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट या वर्ब भी देखें तो भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन हमारे निगेटिव सेंटेंस का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में याद रखना कि हमेशा पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद आता है नॉट, और उसके बाद आएगा वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ नॉट ही नहीं, मतलब हमारा जो भी नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है, जैसे नो नॉट नथिंग नोबडी जो भी है, डिडंट, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना डिडंट डज नॉट, इस तरह के जो भी नॉट रिलेटेड, मतलब नकारात्मक जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे नकारात्मक,
जो नकारात्मक जो वर्ड होते हैं वो हमेशा हमारे वर्ब से पहले आएंगे, ये बात याद रखना। किसी भी सेंटेंस में हम अगर हमें उसे निगेटिव सेंस देना है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, मतलब वर्ब के पहले नॉट आएगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। हाँ, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने जैसे इसमें देखा था कि इसमें नो नॉट नथिंग जैसे वर्ड नहीं आते थे, लेकिन हमें इसमें निगेटिव सेंटेंस बनना है बनाना है तो ऑब्वियसली हमें इन वर्ड्स का यूज करना ही होगा, बिना इन वर्ड्स के हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इट यूज वर्ड्स लाइक नो नॉट नथिंग नोबडी एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने निगेटिव सेंटेंस बनाने में, इट मेक निगेटिव सेंस टू द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस नकारात्मक दिखना चाहिए, मतलब नकारात्मक बनना चाहिए, उस तरह से हमें उसे बनाना पड़ता है, या फिर वो सेंटेंस उस तरह का होता है जो वो नकारात्मक रूप दे उस सेंटेंस को। दूसरी बात हमने क्या देखा कि ये बात याद रखना कि जो जो भी नकारात्मक वर्ड है जैसे नो नॉट नथिंग कुछ भी जो नकारात्मक है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आना चाहिए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमने उसमें एक पॉइंट ये देखा कि यहाँ पे हमें नकारात्मक वर्ड जैसे नो नॉट नथिंग नोबडी इस तरह के वर्ड आना जरूरी है हमारे सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए। और एक बात यह है कि जैसे हमारा और एक टॉपिक होता है जिसमें हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना पड़ता है और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना पड़ता है, उसके लिए सेंटेंस में क्या डालना है और क्या रिमूव करना है वो सब कुछ हमें देखना है, तो हम वो आने वाली हमारे क्लासेस में उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव कैसे बनाया जाता है और निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। फिलहाल हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग उसे भी थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे कि अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसका हमको एग्जांपल लेना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमें एक देखते हैं एग्जांपल की, ये याद रखना है कि हमें नॉट वर्ब के पहले डालना है, ये बात हमें भी याद रखनी है। ठीक है, दे डिडंट स्टडी, दे डिडंट स्टडी, ठीक है, दे डिडंट स्टडी मैथ्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेंटेंस में देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये स्टडी जो हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, जो कार्य हो रहा है और जिस पे कार्य हो रहा है, मतलब जो कार्य हो रहा है और जिस पर कार्य हम कर रहे हैं वो हुआ ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। तो देखो वर्ब के पहले आया हमारा नकारात्मक रूप, ठीक है, मतलब नकारात्मक वर्ड या फिर नकारात्मक फॉर्म जो भी हम कहे, ठीक है, आया सेंटेंस में, दे डिडंट स्टडी मैथ्स प्रॉब्लम, बना सेंटेंस नेगेटिव। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना होता तो हम क्या बोलते, दे स्टडीड मैथ्स प्रॉब्लम, मतलब वो मैथ्स प्रॉब्लम पढ़ रहे, लेकिन हमें इसे नकारात्मक बनाना था तो क्या लिखा हमने, दे डिडंट स्टडीड मैथ्स प्रॉब्लम, ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी डजंट गो टू स्कूल। अभी सेंटेंस में भी देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये हमारा नकारात्मक वर्ड है, आया वर्ब के पहले हमारा वर्ड, हमने किसी भी सेंटेंस में इसकी पोजीशन चेंज की क्या, नहीं। आपको भी ये याद रखना है कि हमें इसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है सेंटेंस की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे हमने स्टार्ट किए थे डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं, मतलब असर्टिव डिक्लेरेटिव इसलिए क्योंकि वो हमारे सेंटेंस के बारे में कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वो किसी फीलिंग से रिलेटेड है, किसी ओपिनियन से रिलेटेड है, किसी फैक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जो पॉइंट था कि वो हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे थे, इट आइदर बी पॉजिटिव और इट आइदर बी निगेटिव, पॉजिटिव मतलब जो हकारार्थी, निगेटिव मतलब नकारार्थी। उसके बाद हमने पॉजिटिव के बारे में पढ़ा, फिर आज हमने इसके निगेटिव पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टाइप क्या था, दूसरा टाइप था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे चार टाइप में से ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप। तो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक एक बात पढ़ते हैं। अभी देखो हमने असर्टिव में क्या पढ़ा था या फिर डिक्लेरेटिव में हमने क्या पढ़ा था, उसमें जो होता है मतलब हमें किससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे किसी थॉट के बारे में या किसी ओपिनियन के बारे में या किसी फीलिंग के बारे में,
लेकिन इंपेरेटिव्स में सेंटेंसेस में स्पीकर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो बोलने वाला है होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके रिगार्डिंग हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्पीकर है वो किसी को, मतलब जैसे किसी को हम क्या बोल सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या किसी को वो ऑर्डर टाइप ऑर्डर दे रहा है, इस पर वो डिपेंड करते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, एक और बात, इंपेरेटिव आर वर्ब्स विच क्रिएट्स द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो इंपेरेटिव्स होते हैं ना, इंपेरेटिव्स होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा था, जैसे जो स्पीकर होता है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जैसे वो ऑर्डर दे रहा है। अब देखो वर्ब से, वर्ब आपने क्यों कहा, क्योंकि इसमें ना हम लोग आगे के वर्ड में इसको भी देखते हो। देखो समटाइम इसमें वर्ब के बारे में क्यों बात की है वो बताती हूँ। समटाइम इट ओनली यूज वर्ब्स, सिर्फ वर्ब्स यूज होता है। अब आप बोलेंगे सिर्फ वर्ब से सेंटेंस कैसे बनेगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो खुद में ही खुद को कंप्लीट होते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर जैसे किसी ने बोला स्टॉप, हो गया सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, एक ही वर्ड में सेंटेंस पूरा खत्म हो गया। जैसे ये हुआ, मतलब समटाइम इट ओनली यूज वर्ब, मतलब सिर्फ वर्ब यूज होते हैं। जैसे हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस हमने कहा था ना, इंपेरेटिव आर वर्ब विच क्रिएट द सेंटेंस, मतलब विच क्रिएट द इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ है। हाँ, एक और बात, जैसे हमने कहा था कि इसमें ये फुल स्टॉप से एंड होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमने अभी इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया तो एक्सक्लेमेशन मार्क से कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से भी कंप्लीट होता है, और कभी कभी उसमें जो होता है फुल स्टॉप से भी वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें ऐसा जरूरी नहीं, जैसे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे ना, उसमें याद रखना कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से कंप्लीट होते हैं और ये फुल स्टॉप से, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी फुल स्टॉप से भी कंप्लीट होते हैं या कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से भी। तो हमने देखा यहाँ पे, जैसे समटाइम इट ओनली यूज वर्ब, जैसे कि स्टॉप, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज प्लीज। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो ओनली वर्ब्स होते हैं, लेकिन वो हमारे एक इंपेरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमने जो एक पॉइंट पढ़ा था अभी, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इट टेल्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीकर गिविंग ऑर्डर, मतलब वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, और मेकिंग रिक्वेस्ट या फिर वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो ये हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल और इसको और थोड़ा डिटेल में, इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हम हमारी आगे वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।